कंट्रोल रूम इज़ अ वेरी स्पेशल डिपार्टमेंट ऑफ द पुलिस फोर्स, जिसमें सारे हाई प्रायोरिटी केसेस जो कि 48 आवर्स के अंदर सॉल्व होने हैं वो केसेस आते हैं. तो वी हैव अ टारगेट, वी हैव अ टाइमलाइन ऑफ 2 डेज जिसमें हमें ख़त्म करना है. इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन व्यूइंग, आप देखेंगे कि हर सैटरडे संडे एक एक घंटे का एपिसोड आएगा. दैट 1 आवर इज़ एग्जैक्टली हाउ यू वुड लाइक टू सी अ फिल्म और हाउ यू वुड लाइक टू सी अ वेब फिल्म स्टार्ट टू एंड. वी आर शूटिंग ऑन फिल्म कैमराज, वी आर शूटिंग ऑन फिल्म लाइट्स. दंगल टीवी का ये अभी तक का सबसे बड़ा मैग्नम ओपस प्रोजेक्ट है. टिल डेट देर हैज़ नॉट बीन अ शो विच इज़ दैट एक्सपेंसिव एज कंट्रोल रूम. इट ओनली शो गोज टू शो कि दंगल टीवी रियली बिलीव्स इन आर टीम, रियली बिलीव्स इन आर कॉन्सेप्ट, एंड वी होप कि बहुत जल्दी उनको उम्मीद से ज़्यादा हम लोग रिटर्न दे सकें इन टर्म्स ऑफ TRPs. ACP आयुष्मान शर्मा इज काइंड ऑफ लाइक अ टाइगर, वो चीते की तरह है. बहुत तेज़ दिमाग है उसका, बहुत डेयरिंग इंसान है, फुल ऑन एक्शन पैक्ड कैरेक्टर है. पहले एक्शन फिर सेक्शन, उसका यही टैगलाइन है. तो वो बिलीव करता है कि कहीं पे भी अगर करप्शन या कोई क्राइम हो रहा है तो दैट ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ. इज अ वेरी ऑनेस्ट कॉप एंड इमोशंस को अपने अंदर दबा के रखता है, बाहर दिखने नहीं देता है. पर उसके एक इमोशनल साइड भी है, एक वल्नरेबल साइड भी है जो कि बहुत बहुत प्यारी है, जो आगे जाके आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी. प्रिपरेशंस मैंने बहुत की हैं इस कैरेक्टर के लिए. मैंने आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन मुंबई पुलिस, उनके प्रोटोकॉल्स, उनके यूनिफॉर्म, उनके तौर तरीके, उनके डिपार्टमेंट्स. देन आई वॉन्ट टू प्ले दिस कैरेक्टर इन अ वेरी रियलिस्टिक जॉनर, मतलब लगना चाहिए कि बहुत रियलिस्टिक जोन में है ये, रियल ACP है ये. तो आई वॉच्ड फिल्म्स लाइक सरफरोश, गंगा जल, तो आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम मिस्टर आमिर खान, अजय देवगन सर. तो इनको देख के मैंने सीखा कि एक रियल कॉप कैसा होना चाहिए स्क्रीन पे, और मैं उसी को करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो इस शो में हमें बहुत बार गन्स चलानी होती हैं, एंड आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, आप जो गन देखते हैं स्क्रीन पे हम चलाते हैं तो ब्लास्ट करती है, भले ही गोली नकली होती है लेकिन वो गन असली होता है, उसका किक बैक असली होता है, उसका गन पाउडर असली होता है. तो इट्स अ लॉट ऑफ किक, इट्स अ लॉट ऑफ फन, इट्स लॉट ऑफ एक्साइटमेंट. बहुत रश सा फील होता है व्हेन यू नो यू आर शूटिंग एंड यू आर डूइंग एक्शन विद रियल गन्स. इट्स अ लॉट ऑफ फन. आई थिंक मेरा अभी तक का सबसे फेवरेट कैरेक्टर ACP आयुष्मान शर्मा होने वाला है. ये बहुत ही हटके होने वाला है कैरेक्टर. अभी तक जो मैंने लवर बॉय के कैरेक्टर्स प्ले करे हैं, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में, रक्षाबंधन में मैंने उमेद प्ले किया, उमेद हु वॉज द सरपंच अ फादर. फिर मैंने अपना ही बेटा प्ले किया शिवा, हु वॉज लिटिल नॉटी बट अगेन अ वेरी डेयरिंग एक्शन मैन. प्यार व्यार जो है ना इस कैरेक्टर का बहुत आगे जाके थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू होगा कि इसकी कुछ फीलिंग्स हैं, ये अपने इमोशंस को छुपा के रखता है. इज अ वेरी स्ट्रेट फेस्ड ऑनेस्ट कॉप. तो द होल फोकस विल बी ऑन द कॉप बिजनेस. एवरीबडी इज अ लॉट ऑफ फन. समीक्षा, सिद्धांत, आकाश, चेष्टा, शिवांगी, पूरी टीम बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेंडली है. हम लोग हमारी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है. हम लोग जब भी कोई खाली होता है, मतलब जब कोई शूट नहीं कर रहा होता है, तो हम लोग सब एक ही रूम में बैठे होते हैं, हम लोग मस्ती कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं. तो या इट्स अ गुड ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग विच यू विल सी इन दिस शो. स्टोरी इज़ बेस्ड इन मुंबई. ये मुंबई पुलिस की कहानी है. मुंबई पुलिस यूनिफॉर्म्स में है जैसे कि आप देख सकते हैं. तो या इट्स अ मुंबई बेस्ड स्टोरी विथ ऑल न्यू एज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी. नाइट विजन गॉगल्स हैं, सॉफ्टवेयर ट्रैकिंग है, IP हैकिंग है, मतलब इस तरह की चीज़ें जो कि आपने पहले कभी दूसरे किसी कॉप बेस्ड शो में नहीं देखी होंगी, वो हम आपको दिखाएंगे. क्योंकि पुलिस फोर्स इज़ वेरी एडवांस्ड एंड वी वुड लाइक द पुलिस फोर्स टू लुक इन द सेम स्ट्रेंथ एंड पावर दैट दे एक्चुअली होल्ड.